हेलो फ्रेंड्स, आपको दे रखा है थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू जीरो पर टेन थीटा इज इक्वल टू दिस है। थीटा इज इक्वल टू पाँच के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। थीटा इज इक्वल टू टेन के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। थीटा इज इक्वल टू पंद्रह के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। बीस के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। पच्चीस के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। और तीस के ऊपर टेन थीटा की वैल्यू ये है। आपको स्टीलिंग फार्मूले का यूज़ करना है और शो करना है कि टेन सोलह की वैल्यू ये आनी चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, चलो हल करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपको इसमें मिड की वैल्यू लेनी है लगभग, तो इसके अंदर वैल्यू कितनी है बेटा? इसके अंदर वैल्यू है हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो है, पाँच है, दस है, पंद्रह है, बीस है, पच्चीस और तीस है। मैंने यहाँ से जो वैल्यू ली वो एक्स ज़ीरो जो मैंने सेलेक्ट किया वो पंद्रह सेलेक्ट कर लिया लगभग मिड की वैल्यू। एक्स ज़ीरो मैंने कितना लिया बेटा? वो पंद्रह ले लिया। एक्स मेरा कितना है? आपको सोलह कैलकुलेट करना है। अगर मैं एच की बात करूँ, एच की वैल्यू कितनी है बेटा? आप देखो ज़ीरो, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पाँच का डिफरेंस चल रहा है। आप देखो यहाँ से ज़ीरो, पाँच, दस, पंद्रह, बीस। अगर मैं यू कैलकुलेट करूँ तो यू इज इक्वल टू होगा मेरे पास बेटा एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो अपॉन एच। तो यू की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? यू बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू डाली मैंने एक्स माइनस के, यानी सोलह माइनस के पंद्रह बटे पाँच, यानी एक बटे पाँच, यानी दशमलव दो। क्लियर है ना? नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड टेबल बनाऊंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। थीटा की वैल्यू देखता हूं मेरे को कितनी गिवन है। थीटा की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, ये तो हुआ मेरा थीटा। थीटा के बाद यहाँ होगा मेरा यू, आप भी समझते हो। U के बाद होगा यहाँ मेरा वाई यू। वाई यू के बाद होगा मेरा डेल वाई यू। फिर मेरा कौन सा होगा भाई? डेल स्क्वायर वाई यू। अगले वाला स्टेप कौन सा होगा? डेल थ्री वाई यू। अगले वाला कौन सा होगा? डेल फोर वाई यू। फिर डेल फाइव वाई यू। फिर डेल सिक्स वाई यू। बड़ा सवाल है तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तो लंबी चलनी ही है भाई। ओके, थीटा की वैल्यू देखता हूँ कितनी है। थीटा की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो ये दे रखी है। देखो आप, ऊपर से डालता हूँ मैं, ज़ीरो, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस तक दे रखी है। कहाँ तक है? तीस तक। ज़ीरो, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस और तीस आपके सामने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग में यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा मैं। यू कैलकुलेट कर दूँ पहले। यहाँ यू इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? यू होता है एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो अपॉन एच। तो यू इज इक्वल टू होगा बेटा, अब आपको एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ से कैलकुलेट करते हुए चलनी है। ओके, यहाँ से कैलकुलेट करनी है। एक्स जो मानना है वो ज़ीरो से चलना है आपको, यहाँ से चलना है। कितना होता है भाई? यू हुआ बेटा ज़ीरो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स ज़ीरो की वैल्यू पंद्रह है, बटे कितना हुआ? पाँच। एच की वैल्यू पाँच है, बराबर कितना निकल गया? माइनस के तीन, यानी पहले वाली वैल्यू तो निकली माइनस के तीन। जब पाँच होगा, अगले वाली यू की वैल्यू निकालता हूँ, पाँच माइनस के पंद्रह बटे पाँच, पाँच तिया पंद्रह, माइनस के दो आ गई। ये वाली वैल्यू होगी माइनस के दो, उससे अगले वाली वैल्यू होगी माइनस के वन, उससे अगले वाली वैल्यू होगी ज़ीरो, फिर होगी वन, फिर होगी टू, फिर होगी थ्री। देख लो आप वैल्यू डाल डाल करके, देख लो ये रिजल्ट आने, कोई डाउट नहीं। ओके, डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगले वाली वैल्यूज़ देख लेता हूँ मैं, जो मेरे पास वाई ज़ीरो, वाई वन, वाई टू, अप टू वाई एन है, ये सब वैल्यूज़ देखता हूँ कैसे आ रही है, क्या क्या है। देखो आप भाई, थोड़ा सा जूम हो जाने दो कैमरे को। ये वाली वैल्यूज़ आपके पास, ये वाली, पहले वाली वैल्यू कितनी है? ज़ीरो है, आपको भी दिख रहा है। पहले वाली वैल्यू है ज़ीरो,
0.0, दूसरे वाली वैल्यू है 0.8, 0.0875 है, उसके बाद है 0.1763 है, देखो आप, आपको दिख रही होगी 1763 है, फिर उसके बाद है 0.2679 है शायद, उससे अगले वाली वैल्यू है 0.3640, 3640, उससे अगले वाली वैल्यू है 0.4663, 663, लास्ट वाली वैल्यू है 0.5774, 7, 7 और 4। मैंने इसके अंदर से इसको घटाया, जब इसके अंदर से इसको घटाया सीधा निकल करके आएगा 0.0875, मैंने इसके अंदर से इसको घटा दिया, निकल करके आएगा 0.0888, इसके अंदर से इसको घटाया निकल करके आएगा 0.0916, उसके बाद की वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी 0.061, जब मैं उसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकल करके आएगा 0.1023, जब मैं इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकल करके आएगा 0.1111, जब मैं इसके अंदर से इसको घटाऊंगा वैल्यू डायल स्क्वायर के अंदर आएगी 0.0013, जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा 0.0028, जब अगली वाली वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 0.0045, जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा 0.0062, लास्ट वाली वैल्यू के अंदर से ऊपर वाली घटाऊंगा 0.0088, जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा 0.0015, आपको भी दिख रहा है 28 में से 13 गए 15 बचेंगे, जब 45 में से 28 घटाऊंगा 0.0017 बचेंगे, जब 62 के अंदर से 45 घटाऊंगा 0.00 फिर 17 बचेंगे, 88 के अंदर से 62 घटाऊंगा 0.0026 बच जाएंगे, आपको दिख रहा है 17 के अंदर से 15 गया 0.0002 बच जाएंगे, 17 के अंदर से 17 गया 0.000 हो जाएगा, 26 के अंदर से 17 गया 0.0009 हो जाएगा, अब इसके अंदर से ये गया माइनस में आएगा लेकिन ये बेटा -0.0002 हो जाएगा, इसके अंदर से इसको घटा 0.0009 हो जाएगा, इसके अंदर से इसको घटा 11 हो जाएगा भाई 0.0011। टेबल तो कंस्ट्रक्ट, कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी तक क्लियर है ना, समझ आ चुकी ना बात, फार्मूला लगाता हूँ, रिजल्ट डालता हूँ, शिफ्टिंग स्टीलिंग फार्मूला लगाता हूँ और रिजल्ट डालने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग स्टीलिंग फार्मूला। चलो पहले मैं स्टीलिंग फार्मूला लिख लूँ उसके बाद उसका यूज़ करूँगा, एक बार जूम होने दो। स्टीलिंग फार्मूला क्या है? बाय यूजिंग स्टीलिंग फार्मूला, स्टीलिंग फार्मूला है, स्टीलिंग फार्मूला, स्टीलिंग फार्मूला बोलता है कि वाई यू जो आपको कैलकुलेट करना है वो होता है बराबर किसके, वाई ज़ीरो प्लस के यू बटे टू डेल वाई ज़ीरो प्लस वाई माइनस वन डेल वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर बटे दो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस के वन बटे फैक्टोरियल थ्री, और अगले वाला स्टेप गुणा, बहुत बड़ा स्टेप है यहाँ पे बेटा, यहाँ होगा गुणा में एक बटे दो वन अपॉन टू, यानी ये मीन है, डेल की पावर थ्री वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर थ्री वाई माइनस के टू, अगले वाला स्टेप है प्लस, वहाँ तक तो जाना ही है जहाँ तक है भाई, यू स्क्वायर माइनस के वन बटे फैक्टोरियल फोर डेल की पावर फोर वाई माइनस के टू, 5 या 6 तक वैल्यू निकली हुई है, प्लस अगले वाला है यू स्क्वायर माइनस के वन यू स्क्वायर माइनस के फोर बटे
फैक्टोरियल 5 गुणा 1/2 ये हुआ, यहाँ निकल कर के r डेल 5 y माइनस के 2 प्लस डेल 5 y माइनस के 3। फार्मूला ही है ये, एक स्टेप और भी है भाई क्योंकि 6 तक निकल रहा है, प्लस u स्क्वायर माइनस के 1 u स्क्वायर माइनस के 4 बटे फैक्टोरियल 6 गुणा डेल की पावर 6 y माइनस के 3। हालत ख़राब करता का फार्मूला रिजल्ट निकालते निकालते। देखो आप ये रखे हुए हैं रिजल्ट साले इधर उधर, दोनों तरफ से लंबा चौड़ा रखना पड़ेगा। पहले ऊपर वाला देखते हैं उसके बाद नीचे की बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू y 0 की वैल्यू देखो बेटा आप कितनी है, y 0 0 पे वैल्यू कितनी है 2 6 7 9, कितनी है भाई ये देखो आप, 0 पे वैल्यू है 0.2679 प्लस u बटे 2, u की वैल्यू देख लो भाई यहीं लिखी हुई है यहीं से बता दूंगा, u की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास ये देखो आप, u इज इक्वल टू आ रहा है 1/5 आ रहा है ना, 0.2 रख लो, 1/5 यानी 0.2। चलो यहाँ मैंने लिख भी दिया है u इज इक्वल टू है 0.2, याद रखनी है ये। अगले वाला स्टेप जो बन रहा है बेटा वो बन रहा है u बटे 2 यानी 0.2/2 डेल वाई ज़ीरो, डेल तो ये है वाई ज़ीरो यानी वाई ज़ीरो ये आ रहा है ना, 0 का मतलब 1 2 3 4 चौथी वैल्यू डेल पे, यहाँ से देखो चौथी वैल्यू 1 2 3 4 0.0961 कितना है भाई 0.0961 प्लस डेल 3, डेल 3 ये है बेटा हाँ, 0 अगर डेल वाई माइनस 1, डेल वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 ये माइनस 1 होगा बेटा, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, माइनस का 1 आना है यहाँ पर, मिस्टेक हो सकती है। वाई माइनस 1 डेल तो ये है वाई माइनस 1 ऊपर से 1 2 3 0.0916 ये हो गया ना। अगले वाला स्टेप कितना है बेटा, प्लस यहाँ है यू स्क्वायर 2 यानी यू स्क्वायर 2 का मतलब है 0.04/2, यू स्क्वायर की मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी ये 2, और यहाँ है इधर क्या आ रहा है डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, डेल स्क्वायर तो यह वाई माइनस 1 पर वैल्यू देखो 1 2 तीसरी वैल्यू है 1 2 3 0.45 आनी चाहिए, ये लो भाई 0.0045 निकल गई ना। अब फिर ये है अगले वाला स्टेप क्या है मेरे पास भाई, यू यू स्क्वायर माइनस 1 यानी के प्लस के है 0.2 और 0.04 माइनस का 1 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा 1/2 ये है 1/2 तो मेरा ये हुआ, डेल ये वाली वैल्यू देखते हैं बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू जाएगी भाई, डेल 3 वाई माइनस 1, डेल 3 वाई माइनस 1 ये देखो आप माइनस 1 डेल 3 1 2 ऊपर से तीसरी वैल्यू है 1 1 2 3 0.0017 फिर क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस डेल 3 वाई माइनस 2, डेल 3 वाई माइनस 2 0.0017 प्लस आसानी होएगा काम 0.0017 पूरा स्टेप निकल गया। आगे चलते हैं भाई, इसके बाद उसके जस्ट बाद क्या है भाई फार्मूले में, यहाँ है u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.04 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब निकला 24 गुणा यहाँ है डेल 4 वाई माइनस के 2। चलो भाई डेल 4 वाई माइनस 2 देखता हूँ, डेल 4 तो ये है माइनस 2 यानी सेकंड वैल्यू, डेल 4 वाई माइनस 2 0 आएगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ यार, गुणा 0.00 कैलकुलेशन आसान होगी। आगे देखता हूँ फिर है u स्क्वायर माइनस 1 यानी 0.2 0.04 माइनस 1 और 0.04 माइनस के कितना 4,
बटे फैक्टोरियल 5 का मतलब निकला 120 और यहाँ निकल कर के आई 1/2 तो मेरी होएगी ये, 1/2 तो होएगा मेरा ये, ये मेरा 1 है बेटा, गलती ना हो जाए इसलिए 1 ऐसे लिख दिया। डेल फाइव वाई माइनस टू का मतलब है 0.009 प्लस डेल फाइव वाई माइनस थ्री 10 माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, माइनस 0.0002। और लास्ट में कितना निकला भाई, अब ये भी है एक, ये वाला फार्मूले का ये स्टेप भी है, चलो भाई ये भी देखते हैं। प्लस ये होगा बेटा 0.04 माइनस के 1, 0.04 माइनस के 4, बटे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है 720, आपको भी पता है, गुणा डेल सिक्स वाई माइनस थ्री लास्ट वैल्यू होगी 0.0011, 0.0011। क्लियर, थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, थोड़ी सी हार्ड है, वैसे तो कुछ नहीं है यार, बस ये वैल्यू डालने के बाद जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वरना क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, तो भाई यहाँ से जब मैं पहला स्टेप इसका कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा, यानी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ tan 16, जिसको मैं डिग्री यानी के बोले तो y जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब इसको कैलकुलेट करूँगा ये होगा 0.2679, ये तो एज इट इज होगा। प्लस अगले वाला एक स्टेप जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये निकल करके आएगा 0.01877, जब उससे अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करूँगा प्लस 0.0009। प्लस अगले स्टेप चाहो तो छोड़ दो क्योंकि बहुत छोटे छोटे आएंगे, प्लस अगले स्टेप को मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि यहीं दशमलव के बाद देखो आप यहीं कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, 0.001 तक बात पहुँच चुकी, 0.0009 तक बात पहुँच चुकी, मैंने इनको नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारी छोटी वैल्यूज आने वाली हैं। तो 10, 16 डिग्री का जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ये निकल करके आएगा 0.02867, ओके, और ये अप्रोक्सीमेट आता है बेटा। दशमलव के बाद सिर्फ आपका 3 प्लेस तक ही आंसर मैच होगा, मैक्सिमम 4 प्लेस तक आंसर मैच हो सकता है, 5वें 6ठे प्लेस तक मैच नहीं होगा। दुनिया के कितने किसी भी राइटर की किताब उठा लेना, कितना भी डीपली स्टडी कर लेना, पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक ही या 4 प्लेस तक ही न्यूमेरिकल वैल्यू मैच होती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने के बाद भी, और इस पेपर के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम के अंदर। ओके चलो बाय।